आपने भी एक्सपीरियंस किया है, आप करके देखिए, आ जाइए सर। आ जाइए सर आप। कोई बात नहीं। कोई नहीं। स्टैंप एक ही बार दूंगा मैं सबको, उसके बाद मैं हार्डवेयर में ये मतलब दिखाऊंगा आपको। जिसने मुझे देख लिया होगा यहाँ पे मैं जो कर रहा था टाइम पे, उसको ही समझ में आएगा, बाकी किसी का ध्यान नहीं रहेगा। क्या करनी थी? सॉरी मैं नहीं कहती, नोबल किया होता है। किसने नोबल किया हुआ था? सर आउटलाइन में। आउटलाइन में अगर आप कैटबॉक्स 1 को यूज कर रहे हो और आपकी आउटलाइन ही नोबल है, कुछ भी नहीं आएगा। कलर बॉक्स 1 आपकी आउटलाइन को आइडेंटिफाई करता है। आपको दिमाग वहां पे लगा देना चाहिए जब रेड के साथ में आप ब्लैक यूज कर रहे थे। आपने कलर 2 तो यूज किया, सॉलिड किया, तो वहां पे से ब्लैक ही आ रहा था, आउटलाइन ब्लैक नहीं आ रही थी, रेड ही आ रहा था, ब्लैक नहीं आ रही थी। आपको पता है ये चीजें बहुत देखने को मिलेगी वहां पे। आप कंफ्यूज रहे बच्चों को क्या बताओगे आप? नहीं वो तो है, सीखने में सब कुछ पता लग ही जाता है, करने से सीखोगे। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ आपको, वो जो लॉजिक मेरी एक्चुअली है, जो हमने जो चीज की है, फेस की है, हम आपको वही चीज बता रहे हैं। शायद वो भी आपको फेस करने को मिलेगी, देख लेना ये चीज। बच्चे कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं, आप फिर की बात करोगे ना उनसे, तो वो पता सबसे पहले वहां पे क्लिक करेंगे, वो ये पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे नहीं जाएंगे, वो ये पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन वहां पे और यहाँ पे दोनों में सेम है। लेकिन वो आउटलाइन के लिए काम करता है, वो सेकंड कलर बॉक्स के साथ। ठीक है, आ जाइए सर, मुझे किसी वजह से आपको भेजना पड़ा, नहीं लेके सर पहुंचिए। सर आप आइए, उनको संभाले बैठे। इसको हटाइए यहाँ से, फिर भी आपको ये लिखने के लिए ना सिम्टम वगैरह यहाँ पे ना अपना नाम टाइप कीजिए। इसके बाहर भी कीजिए, इस बॉक्स के बाहर भी कीजिए। अब आपने जो नाम लिखा है ना, उसके बीच में कुछ और लिख के दिखाइए मुझे। पेंट के अंदर टेक्सचर के कुछ रूल्स होते हैं, शायद आपको उन पे ध्यान नहीं दिया। क्या रूल्स होते हैं सर टेक्सचर के पेंट के अंदर? आप मुझे बताइए इसमें चेंजेस हो जाएंगे या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोबारा आवाज आएगा। क्यों नहीं होगी? जब आपकी बेंच की क्लास हुई थी तो वहां पे ऑडियो में क्लियरली बोला जाता है ये चीज। आपने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन इसको लेवरेट कैसे करना है मुझे अब आनी बाकी है। अरे सर क्यों नहीं होंगे इसमें चेंजेस? चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर तो आया ना? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा ना कि पेंट
का सॉफ्टवेयर है और इसमें जो भी चीज बनाते हैं वो एक ड्राइंग के रूप में बन जाती है, तो अब जब फिक्स हो गई तो उसके बाद उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। ये टेक्स्ट ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट का रूल है कि आप जब भी इसमें कुछ टाइप करोगे और इसके बॉक्स के बाहर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो फिर इसमें चेंज नहीं कर सकते, बॉक्स के बाहर गलती से क्लिक कर दिया अगर ड्राइंग का रूल लेना है। और लेकिन जो आपने बोला ना कि ये ड्राइंग की शेप है, शेप मैटर नहीं करती है, शेप शेप नहीं कर रहा, वो ड्राइंग का रूप ले लिया उसने, जो भी चाहे आप समझे, चाहे वो हमने लिखा है चाहे कुछ बनाया है, अगर यहाँ पे बॉक्स होता तो भी तो ड्राइंग का रूप था वो। हाँ ड्राइंग का रूप चेंज कर सकते हैं, सेम चेंजेज आप तब कर सकते हैं जब आपका बॉक्स इस पे एक्टिव है। हाँ नहीं बॉक्स एक्टिव है ना इसीलिए कर सकते, तभी चेंज कर सकते, अदरवाइज तो देखा नहीं कर सकते। तो फिक्स फिक्स पेंटिंग की तरह हो जाएगा, जब वो लिखा हुआ हो चाहे वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी आप टेक्स्ट टूल यूज करोगे और उसके बाद आपने गलती से कुछ बॉक्स के बाहर क्लिक कर दिया तो आप उसे दोबारा से एडिटिंग नहीं कर सकते, चेंज तो हो सकता है सर, वो मिट जाएगा पूरा। मैं तो बीच में काम कराना चाहता था ना आपसे, ठीक है, दोबारा से यूज कीजिए, नाम टाइप कीजिए।